नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। यहाँ पर मैं आपको नवंबर माह की करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे ये मंथली करंट अफेयर्स का एक पार्ट है जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। और जितने भी एग्जाम्स हैं सभी में पिछले 6 माह की करंट अफेयर्स पूछी जाती है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर आपके लिए नवंबर माह की करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। और हमारा जैसा कि नारा है, आपकी सफलता हमारा एम। चलिए शुरुआत करते हैं अब पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न यहाँ पर है, किस देश से कैबिनेट ने 2 साल पहले निकलने के बाद राष्ट्रमंडल में फिर से जुड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसमें जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है हमारा मालदीव, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मालदीव जो है वो पहले इस राष्ट्रमंडल में था और राष्ट्रमंडल से 2 साल पहले बाहर निकल गया था, अब फिर से राष्ट्रमंडल में, जो राष्ट्रमंडल देश होते हैं उनमें आ जाएगा। राष्ट्रमंडल की बात करें तो राष्ट्रमंडल देश 53 देशों का एक समूह है और इसका काम क्या होता है, जो भी इसके सदस्य देश होते हैं उनके मानवाधिकार को, सोशल डेवलपमेंट को, एडवांस इकोनॉमिक को और इंटरनेशनल कॉरपोरेशन को ध्यान में रखता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि जो मालदीव देश है जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है, और इसकी कैपिटल है माले और ये 19 नवंबर को इसके प्रेसिडेंट बने थे। आगे चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इंटरपोल के नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? तो इंटरपोल के जो नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं वो चुने गए हैं ऑप्शन नंबर डी, किम जोंग यांग। इंटरपोल के जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस। इस कारण से इसे पूरे विश्व की पुलिस भी कहा जाता है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि इंटरपोल के प्रेसिडेंट है किम जोंग यांग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय की मंजूरी दे दी है? तो अभी एक नया उच्च न्यायालय बनेगा आंध्र प्रदेश के लिए, ये पूरे भारत का 25वां हाई कोर्ट होगा। और इससे पहले जो तमिलनाडु के साथ ही, वो तेलंगाना के साथ ही मिला हुआ था तो दोनों का एक ही हाई कोर्ट था हैदराबाद, अब ये 25वां हाई कोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू। प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती, अभी फिलहाल में हैदराबाद है। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है इसके ESL नरसिम्हन। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किस भारतीय पत्रकार ने साहस के लिए 2018 लंदन प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्वाति चतुर्वेदी। स्वाति चतुर्वेदी ने पत्रकारिता में साहस के लिए 2018 का लंदन प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है। और ये जो अवार्ड दिया जाता है ये पत्रकारिता में जो साहसिक कार्य करते हैं उन लोगों को दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किस भारतीय व्यक्तित्व को मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मैक्सिकन ऑर्डर ऑफ द एजटेक ईगल से सम्मानित किया गया है? तो ये मैक्सिको का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि किसी फॉरेनर्स को दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्यामा प्रसाद गांगुली। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, किस देश की अंडर 17 लड़कों की टीम ने सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो ये जो जीता है, ये जीता है बांग्लादेश ने। ठीक है, क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, 2018 का गिल्ड्स पुरस्कार किसे मिला है? 2018 का जो ग्लिट्स पुरस्कार मिला है वो मिला है मलाला यूसुफजई को, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है। तो मलाला यूसुफजई इसका सही आंसर हो जाएगा। मलाला यूसुफजई को 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल पीस प्राइज भी मिला था और इन्होंने पाकिस्तान में लड़कियों की पढ़ाई के लिए आवाज़ उठाई थी, जिस कारण से आतंकवादियों ने गोली मारी थी, उसके बाद ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने चली गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, FICA उभरते कलाकारों के लिए पुरस्कार जो है वो 2018 में किसको दिया गया है? तो FICA की हम फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो FICA के फुल फॉर्म में फाउंडेशन फॉर इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट। तो इसको जो दिया गया है वो है अनुपम रॉय। अनुपम रॉय अन्याय के खिलाफ अपनी पेंटिंग और ड्राइंग आर्ट के बारे में बताते हुए चर्चित रहते हैं, तो इसीलिए इनको ये दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास सिम्बैक्स 2018 किस देश के साथ किया है? तो जो सिम्बैक्स है, सिम्बैक्स हुआ है सिंगापुर और इंडिया के साथ। ठीक है,
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स जो होता है श्रीलंका और इंडिया के बीच में होता है, और जीमैक्स होता है जापान और इंडिया के बीच में, ठीक है। ये जो सिंगापुर वाला है, इसको सिम्बैक्स को कैसे याद रखोगे, S4 सिंगापुर और I4 इंडिया, और मिलिट्री बायलेटरल एक्सरसाइज। एसलिनेक्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, और जीमैक्स का जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा एक्सरसाइज इंदिरा 2018 भारत और किस देश के बीच में हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रसिया, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है पूरी, इसको बोलते हैं अवेल इंदिरा, ये भारत और रूस के बीच में होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द्विपक्षीय एक्सरसाइज समुद्र शक्ति भारत और किस देश के बीच में आयोजित की गई है। तो ये समुद्र शक्ति जो एक्सरसाइज है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, ठीक है। और ये इंडोनेशिया के सुराबाया में 12 नवंबर 2018 को, ठीक है। मैं नवंबर माह की पूरी करंट अफेयर्स आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे। उसके अलावा भी मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, उन्हें देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है किस बैंक ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत PAISA पैसा पोर्टल लॉन्च किया है। तो पैसा पोर्टल जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस, ठीक है। और ये किसने किया है, ये किया है इलाहाबाद बैंक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है महिलाओं के खिलाफ हिंसा को ख़त्म करने के लिए 2018 अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है। तो जो महिलाओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 25 नवंबर को मनाया जाता है, और उसका विषय इस बार का क्या रहा है। ऑप्शन नंबर बी ओरेंज द वर्ल्ड हैशटैग हियर मी टू, ये काफ़ी चर्चाओं में रहा है हैशटैग हियर मी टू, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, और इस बार की थीम क्या थी 2018 की, इस बार की थीम थी द फैमिली एंड डायबिटीज, परिवार और मधुमेह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है नोट्स ऑफ ए ड्रीम, ये प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार किसकी जीवनी है। तो किसकी जीवनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा AR रहमान, तो ये AR रहमान की जीवनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है किस देश ने दुनिया का पहला संप्रभु ब्लू बॉन्ड लॉन्च किया है। तो सबसे पहले ये ब्लू बॉन्ड होता क्या है, एक तरह का प्रोजेक्ट है जो कि मैरीन और फिशरीज प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये किसने किया है, ये किया है सेशेल्स ने। 16 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। सेशेल्स की कैपिटल क्या है, सेशेल्स की कैपिटल है विक्टोरिया। तो जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उन सबको आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत के 2019 गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व मुख्य अतिथि होगा। तो मुख्य अतिथि जो होगा वो हो जाएगा सिरिल रामाफोसा, ऑप्शन नंबर बी। सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चंदपुरी, कुलदीप सिंह चंदपुरी जो हाल ही में निधन हो गया है, वो 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान ऐतिहासिक लड़ाई में उनके वीर नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। तो कौन सी लड़ाई थी, ये थी लोंगावाला की लड़ाई, ऑप्शन नंबर ए, जो कि राजस्थान में लड़ी गई थी, और जो बॉर्डर फिल्म बनी है सनी देओल की, वो इसी इन्हीं के ऊपर बनाई गई है, जिसमें सनी देओल ने कुलदीप सिंह चांदपुरी का रोल किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है संविधान का कौन सा आर्टिकल गरीब और कमज़ोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 39A, और ये 9 नवंबर इसका नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ये शुरू किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता के दिवस उसमें मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, और 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस। आगे चलते हैं, इससे पहले बताते हैं कि इनकी जो मूर्ति बनाई गई है उसको कहते हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी, उसकी ऊंचाई है 182 मीटर, और ये कहाँ पे बनाई गई है, ये बनाई गई है गुजरात में नर्मदा नदी के सरदार सरोवर बांध पर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रतिष्ठित
राजा राम मोहन राय अवार्ड के लिए किस प्रसिद्ध पत्रकार का चयन किया गया है? तो राजा राम मोहन राय अवार्ड के लिए किस पत्रकार का चयन किया गया है, वह है ऑप्शन नंबर डी एन राम। ठीक है, यह किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI के द्वारा, और 16 नवंबर को इसका नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो साथ के साथ मैं आपको बताता चलूँगा, सभी इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे कि नवंबर माह की करंट अफेयर्स है, ऐसी और सारे महीने के करंट अफेयर्स भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम जो कि आने वाला है, और इसके अलावा और भी दूसरे एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन से दो राष्ट्र एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए संयुक्त विजेता घोषित किए गए हैं? तो हॉकी की जो एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें कौन से दो देश संयुक्त विजेता घोषित किए गए हैं? वे हैं इंडिया और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है इंडिया का कैप्टन और पाकिस्तान का कैप्टन है, और ये मस्कट ओमान में हुए थे। ठीक है, ओमान की कैपिटल है मस्कट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, सांस्कृतिक सद्भाव के लिए 2016 का टैगोर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि टैगोर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये शांति संस्कृति स्वभाव के लिए दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया गया है? तो 2018 का दिया गया है रामवंजी सुतार, इन्होंने ही स्टेचू ऑफ यूनिटी को स्थापना की है, और ये बहुत सारी मूर्तियों को बना चुके हैं जो कि संस्कृति से रिलेटेड होती है। बात करते हैं 2014 का किसे मिला था, तो 2014 का मिला था राजकुमार सिंह अजीत सिंह। ठीक है, और ये मणिपुरी डांसर थे। और 2015 का छाया नोट को मिला है। ठीक है, ये बंगाली कल्चर से रिलेटेड टैगोर वर्ड्स, टैगोर का जो काम थे, टैगोर जी के साहित्य थे, उनको प्रमोट किया है इन्होंने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, किस भारतीय खिलाड़ी को यूनिसेफ इंडिया के पहले युवा राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है, वो बनाया गया है हिमा दास को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। और हिमा दास को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है दिहिंग एक्सप्रेस के नाम से। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों के लिए गो समृद्धि प्लस योजना लॉन्च की है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा भी गया है और पूछा जाना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी केरल। केरल सरकार ने डेयरी किसानों के लिए गो समृद्धि प्लस योजना लॉन्च की है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, माइकल डी हिगिंस किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है? तो माइकल डी हिगिंस किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये हैं आयरलैंड के, ऑप्शन नंबर डी। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, नई दिल्ली में छठी भारतीय सामाजिक कार्य कांग्रेस में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस जो नई दिल्ली में हुई थी, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है मार्था फेरेल को, और ये कौन सा अवार्ड था? ये था छठा अवार्ड। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28, 2019 के आम चुनावों के लिए युवा जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर इंडिया द्वारा कौन सी सामाजिक पहल शुरू की गई है? तो ट्विटर इंडिया के द्वारा एक पहल शुरू की गई है जिसमें 18 साल से अधिक युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो उसका कैंपेन का नाम क्या है? उस कैंपेन का नाम है #powerof18, # करके ये कैंपेन चलाया गया है। ठीक है, किस लिए चलाया गया है? एनकरेज यूथ टू कंट्रीब्यूट इन पब्लिक डिबेट्स एंड पार्टिसिपेट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, यहाँ पे दिखा रखा है रेड कलर में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार 2018 में सांगई महोत्सव का आयोजन करेगी? तो ये करेगी मणिपुर सरकार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो किस लिए किया जाता है, ये मणिपुर में जो टूरिज्म है, टूरिस्ट डिपार्टमेंट की ओर से कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, इसे वर्ल्ड क्लास टूरिज्म की तरफ प्रमोट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है मणिपुर स्टेट है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स आयोजित किए गए हैं, जो कि फर्स्ट एडिशन थे। कहाँ पर आयोजित किया गया है? यह किया गया है ऑप्शन नंबर ए, इम्फाल में। इम्फाल किसकी कैपिटल? इम्फाल है मणिपुर की कैपिटल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो साथ के साथ आप याद करिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। जब भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 32 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
11 नवंबर, 11 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, जो कि हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा खेल पत्रकार द फायर्स बर्न ब्लू ए हिस्ट्री ऑफ वीमेन क्रिकेट इन इंडिया किताब का लेखक है? तो 33 का जो सही आंसर है वो क्या होगा, यह करुणा कश्यप, केशव, करुणा केशव इसका सही आंसर है। तो जो द फायर बर्न्स ब्लू जो किताब लिखी है ये लिखी है करुणा केशव ने। आगे चलते 34। 34 क्वेश्चन है, किस देश की टीम ने 2018 का डेविस कप टूर्नामेंट जीता है? तो डेविस कप टूर्नामेंट जो जीता है वो जीता है क्रोएशिया ने। ठीक है, फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है ये जो क्रोएशिया ने जीता है। किसको हरा कर जीता है ये? फाइनल में फ्रांस को हराया था, फ्रांस को हरा कर ये अवार्ड जीता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, बीसीसीआई द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार धोखाधड़ी आई धोखाधड़ी के दोषी क्रिकेटरों को कितने सालों तक प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 साल। अब बात करते हैं बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है सी के खन्ना, और मेंस टीम के कोच है रवि शास्त्री, और वुमेन्स टीम के जो कोच है वो है डब्लू रमन। डब्लू रमन की पूरी फुल फॉर्म है, मतलब उनका पूरा नाम है वूर केरी रमन। ठीक है, तो ये नवंबर महीने के मैंने इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर्स करा दिए। वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है तो उसको भी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि आपके सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुँच सके और वे भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ के साथ नोटिफिकेशन वाला बटन भी दबा दें, बेल आइकन को, जिससे कोई आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। धन्यवाद।